तो चलिए गाइज, आज हम आपको बताते हैं क्रॉसबिट की इस वॉच को हम अपने फ़ोन के साथ कैसे पेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर में चले जाएंगे, वहाँ पे एक एप्लीकेशन है डा फिट, DAFIT फिट, दा फिट, इसे को हम सर्च करेंगे, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब तक ये इंस्टॉल होती है हम इसका वेट कर रहे हैं, और ये अभी इंस्टॉल हो रही है। तो ये इंस्टॉल हो गई है, हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये अभी ओपन हो रही है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन आएंगी आपकी हेल्थ से रिलेटेड, हम अलाउ कर देंगे परमिशन को। इसके बाद हम ब्लूटूथ सेक्शन में चले जाएंगे, वहाँ पे हमें इस वॉच का नाम आ जाएगा, इग्नाइट S3 मैक्स, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। एक इग्नाइट S3 ऑडियो कनेक्टेड, दोनों को हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम फिर से ये दाफिट ऐप में जाएंगे, तो वहाँ पे इस ऐप को सबसे ऊपर आइकन आएगा, इस पर हम पेयर कर लेंगे। यहाँ पे वॉच पेयर होने के बाद इसमें कुछ ही नोटिफिकेशन है, जैसे हम मैसेजेस की, कॉल्स की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, जो भी परमिशन हम इसको अलाउ करेंगे उसके नोटिफिकेशन हम इसको इसकी स्क्रीन पे इजीली देख पाएंगे, और उससे हम इसको मॉनिटर भी कर पाएंगे इन चीज़ों को, और उसके सारी परमिशन को हम अलाउ कर देंगे। ये कैमरा परमिशन है, इसके थ्रू हम इस वॉच के थ्रू कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हैं विदाउट कैमरा यूज़ किए। अपने फ़ोन में हमें कैमरा ऑन करना है, और वॉच पे हम जब क्लिक करेंगे तो इजीली फ़ोटो डिटेक्ट कर लेगा। इसका मतलब अगर हम सेल्फी ले रहे हैं तो हम फ़ोन को काफ़ी साइड में रख के भी वॉच के थ्रू हम फ़ोटो ले सकते हैं। इसके बाद इसमें फीचर आ जाते हैं, कितने आपने स्टेप चले, आपका हार्ट रेट कितना है, आपका BP कितना है, वो सब इसमें मेज़र करेगा। आपका SpO2 लेवल कितना है, आपका BP कितना है, हार्ट बीट कितना है, जो भी ऐप में शो कर रहा है वो सेम एज इट इज़ इस ऐप्स में भी आपको सब कुछ दिखाएगा एज इट इज़। इसमें ऐप में हम देखते हैं, इसमें वॉच में देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी हो गया, अपना SpO2 हो गया, या आपका BP हो गया, ये आपका BP हो गया, हार्ट रेट हो गया, ये आपका कैलेंडर हो गया, ये टाइमर हो गए, म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं हम यहाँ से, वॉइस असिस्ट कर सकते हैं, ये स्टॉप वॉच, ये सारे फीचर हमें इसमें इनबिल्ट मिल जाते हैं 1 to 1। अब हम इस पर एक बार कॉल और चेक कर लेते हैं कि कॉल कैसे इस पर हम कनेक्ट करेंगे, और कैसे उसको पिक करेंगे, और कैसे हम उसको आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉल का अभी मेरे को साइन दिख रहा है, तो यहाँ से मैं इसको डिसकनेक्ट भी कर सकता हूँ, और इसको पिक भी कर सकता हूँ, और इस वॉच के थ्रू मैं इस पर आंसर भी कर सकता हूँ। तो अब हम ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर यह हमारा पॉकेट में फ़ोन है तो इजीली इस वॉच के थ्रू कॉल को कनेक्ट डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं, इस पर रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, तो सारा कुछ हमें मिल जाएगा। अभी ये ऊपर हमें नोटिफिकेशन बार को नीचे डाउन किया है, तो ये जो कॉल का जो ब्लू है इस पर अगर हम ब्लू टिक कर देंगे तो इसके बाद हम कॉल को आंसर कर पाएंगे, और इससे हटा देंगे तो हम कॉल को आंसर नहीं कर पाएंगे, ओनली नोटिफिकेशन हमें मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपका टाइमर दिखा देता है, आपको वो ब्राइटनेस दिखा देता है, यहाँ पे सारे फीचर आपको मिल जाएंगे सेटिंग के अंदर, डिस्प्ले का, पावर मोड, रीसेट का, जितने भी सारे हैं ब्राइटनेस का, सारे मोड मिल जाएंगे यहाँ पे। और